मुंबई कोतवाली थाना क्षेत्र में रानीपुरा इलाके में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए विवाद के बाद व्यापारियों के एक तबके ने मंगलवार को बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले दिनों सुनील चौक से नामक व्यापारी ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते पवन डीजे साउंड पर पहुंचकर चाकू दिखाकर कुछ व्यापारियों को धमकाया था, जिसके चलते नाराज व्यापारियों ने आज दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सुनील चौक से और अन्य नारायण चौहान और राजेंद्र सिंह ठाकुर, इन्होंने दुकान में मारापीटी की और चाकू दिखाया। तो कौन कौन आया था क्या पूरा बताया? सुनील चौक से नारायण चौहान और राजन सिंह कुंडू। यहाँ पे काम करते हैं आप? दुकान है हमारी नारायण चौहान। क्या नाम? सिंह पैलेस। क्या हुआ तो बताएं। मैं तो मेरी दुकानदारी कर रहा था, इस बीच ही आ गए जबरन घुस के दुकान में मारापीटी चालू कर दी। मतलब दादागिरी करना चालू कर दी, भैया हमें माल दोगे नहीं दोगे तो धंधा नहीं कर पाओगे, और माल अगर देते हो तो हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें जो करना वो कर लो, तुम बस धंधा करोगे तो हमारे हिसाब से करोगे, तुम्हें रहना है तो यहाँ रहना पड़ेगा, और जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने। कौन कौन आया थे? सुनील चौक से नारायण चौहान और गुड्डू ठाकुर, और इसके अलावा तीन चार और थे जिनका नाम मैं नहीं जानता। आ जाओ।